Hi everyone, good morning and welcome back to our channel. Aditya, good morning. ये पहले अपना मत ऑन करो, पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलो. चार बजे थी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आदित्य. अगर तो मेरा कैमरा देख के पहले अपना याद आ जाता है. हम तीनों खाना खाने जा रहे हैं और पारस नहीं सो तो नहीं रहा है. आज उठ गया पारस, पर हम खाना खाने के बाद उसके लिए खाना लेके जाएंगे. ही इज अ महाराजा. दूसरा रेस्ट हाउस, दूसरी चप्पल, बड़ी चप्पल. बाहर का आपको व्यू दिखाती हूँ. बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, ये उस तरीके का ट्राइबल नहीं है एरिया, क्योंकि ये थोड़ा भरा भरा पॉपुलेटेड सा है. आपको घर भी दिखेंगे यहाँ पे. बट अगर आप इस वाली साइड पे चले जाओ ना, यहाँ से गाड़ी लेके, तो वहाँ पे खाली खाली होगा. क्या है खाने में? दही. दही खाएंगे. अच्छा, परांठे आ रहे हैं इन बटर. सबका खाना सफा चट. हम चाय लेके रूम में जा रहे हैं. रूम में पियेंगे बैठ के चाय. ये क्या हुआ? वॉइस तो अंधेरा. अंदर मैं गई, अंधेरा था. और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे लाइट चली गई है. अब लाइट आई है मजे से. गीजर मैंने ऑन नहीं किया था. मुझे ऐसा लग रहा है बिना नहाए जाना पड़ेगा आज. बाय बेबी. As I already told you, लाइट चली गई थी तो गीजर भी ऑन में था. नहा नहीं पाया हमें से कोई भी. बस वैसे ही थोड़ा सा कपड़े चेंज करके एलोवेरा मुंह पे पोत के निकल गया. अब देखते हैं कहाँ जाना है. मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ का. तो बता देती हूँ, पारस हमारे साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसके भरमौर में फ्रेंड्स हैं. तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएगा आज. और मैं, चारों दीदी, आदि भैया, हम साथ में घूमने जाएंगे आज. वैसे कल भी कुछ खास डिफरेंस नहीं था. कल सोता रहा, कल भी हमारे साथ घूमने नहीं गया. पर चलो आज हम तीनों घूमने जा रहे हैं. चलते चलते क्या मिला? भेड्डू, जो मैं कल से ढूंढ रही थी. कैसे रो रहा है? उसको ना अपने झुंड से अलग होने की फीलिंग आ गई है. देख लो एनिमल्स में कितना वो होता है. और आदि भाई आ रहे पीछे पीछे, चार ममता दिखाते हुए भेटू को अपनी. और ये दिव्या खुशी खुशी नाचते हुए भेटू के साथ. ये अनिल भैया चल रहे हैं और वो भेड्डू की फैमिली चल रही है. अपने तोड़े हुए प्लम खा रहे हैं. भेड्डू आएंगे खट्टे खट्टे, आंख से पता चल रहा है. के लिए फोटो बाय भेड्डू. का डर देखना कैसे निकाल. लिटरली इस ब्रिज के ऊपर से भगा रहे हैं गाड़ी. इसको बोलते हैं असली पहाड़. गाड़ी नहीं टकरी है, ना पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ना आगे से कोई गाड़ी आ रही है. मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इस रोड पे चले हुए बेवकूफ जैसे. जी ये क्या कहते हैं, यहाँ कहीं से ऊपर से कैलाश दिखता है? यहाँ से दिखता है वो पीछे ना 3 किलोमीटर से. हाँ, वहाँ से दिखता है. वहाँ मूर्ति रखी हुई है. अच्छा, शिव जी महाराज की ना. अच्छा, बादल है ना, बाद में दिखाई देगा. बादल में नहीं दिख रहा ना. भालू आते हैं यहाँ? भालू दिन में, रात को आते हैं. रात को आते हैं कभी कभी ना. दिन में तो नहीं आते. जंगल में रहते हैं. अच्छा ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद. ये रास्ता कहाँ तक जाते हैं? दीदी ने डिसाइड कर लिया है कि या तो हम शिवजी के दर्शन करके जाएंगे या तो शिवजी के पास ही चल जाएंगे. यहाँ खड़े हो गए हैं नेक्स्ट लेवल. मतलब
जो ब्यूटी का नेक्स्ट लेवल होता है ना, आप देख रहे हो पेड़ के कलर में डिफरेंस देख लो, ग्रीन भी है, लाइट ग्रीन भी है, ब्राउन भी है। वहाँ पे नॉर्मल पहाड़ियाँ, जंगल वाली, ऊपर बर्फ वाली पहाड़ियाँ। सुंदर जगह है ना मेरी और आदि भैया की, इतनी प्यारी पिक्चर्स और वीडियोस आई है। ये लास्ट का गांव है, ये देख रहे हो आप, इसके आगे रास्ता नहीं जाता है गाड़ी के लिए। हम डेड एंड पे पहुंच गए, यहाँ से वापस मुड़ेंगे अब और फिर जाएंगे हम नदी के किनारे। घुमा के हमने यहाँ पे लगा दिया और ये देख रहे हो आप, स्वागत टू जैविक गाँव कुगती है ये लास्ट गाँव है यहाँ का। यहाँ से आगे रास्ता नहीं जाता गाड़ी के लिए, नहीं जाता ना। अच्छा, गाड़ी यहीं तक जाती है, इसके आगे खत्म है। कार्तिक स्वामी का मंदिर है। बेचारे खच्चर, बट यार इनके पास और कोई चारा नहीं है ना, इनके लिए, इनके घर बनाने के लिए, सब काम होने के लिए इसी पे आता है सामान। अरे अवॉइड गेटिंग ड्रंक वाइल रोमिंग इन देयर कंट्री, तो इसमें क्या दिखाया है, ये दोनों पी रहे हैं, वो पी के ना गिर गया है, तो अब जब भालू आएगा तो उसको वो मिल जाएगा। ट्राइबल एरिया के लास्ट गांव की चाय को चीयर्स। चाय पी के हम यहाँ से निकल गए और चाय नहीं पी एक्चुअली, हमने चाशनी पी, बहुत ही मीठी चाय बना दी थी उन्होंने, हमें बोलना भूल गए कि चीनी कम रखना। पहुंच गए हम उधर जहाँ से हमें नदी के पास जाना है, नीचे वहाँ से पैदल पैदल रास्ता है जाएंगे। गाड़ी हमने साइड में खड़ी कर दी है जहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड का खतरा ना हो। ये आ गया रास्ता नीचे उतरने का, आपको यहीं से दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको नीचे जाके पहुँच के मिलूंगी। पता नहीं यहीं से कहीं 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 से वहाँ पहुँचेंगे। स्वीट आदि भैया हमें क्रॉस करा रहे हैं अब दोनों। सो स्वीट चारों दीदी आदि भैया कैसे खड़े। अयो अयो, नदी के पास पहुंच गए हम। सोचोगे ना कि क्या ही डिफरेंस है मनाली में और बाकी सब जगहों पे, भी तो ऐसी नदियां मिल जाती है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ह्यूमंस कम है। प्रोटेक्शन। चारों दीदी नीचे से आए उठ के कि हम पूरा टाइम फोन कैप्चर ही करे जा रहे हैं और यहाँ पे आके हम दोनों एक इस तरफ दीदी के एक उस तरफ बैठ के थोड़ी देर फोन बंद करते हैं, थोड़ी देर नज़ारे लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आते हुए हमने अपना रास्ता चेंज कर लिया है, यहाँ से चढ़े हम ऐसे खड़ी सी चढ़ाई थोड़ी सी और हमारा समय बच गया। ये स्कूल है यहाँ पे, यस दिस इज अ स्कूल। पहाड़ी गाय की ताकत देख रहे हो, पहाड़ी गाय है, सीधे रास्ते पे नहीं चल रही है, वो चढ़ने के लिए भी ऊंचा था, उतरने के लिए भी ऊंचा था, आपको इतने दूर से पता नहीं चला होगा, बट मैंने नीचे से देख लिया था, इससे पहले वाली भी ऐसी आई थी। हम नहीं रहे भाई हिमाचली, कलंक है हम हिमाचलियों के नाम पे, इतना सा चल के अगर थक गए तो। बाय बाय नदी, लो वापसी के लिए प्रस्थान करते अब। गेस्ट हाउस वापस पहुंच गए। इन केस व्हाट, पारस ने बोला था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, पूरे दिन घूम के आ गया और गाड़ी ये इधर खड़ी हुई है, कहीं नहीं गया है वो, मुझे लग रहा है वो सो रहा है अभी तक। अरे पैसे भी
हम भी सिर्फ मैं और चारू दीदी सुसू करने के लिए जा रहे हैं, फिर हमने कुछ खाने पीने जाना है। ये सोने के लिए आया है, हम तीनों आ गए गलियों में वापस खाना लेने के लिए। मतलब हमने सोचा कि कुछ ना चाउमीन मोमोज वगैरह ऐसा कुछ ले लेते हैं, और पारस ने फ्रेंड्स के साथ जाना था, बट उसकी ना वो नहीं, उसको बोल रहा अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रॉपर तबीयत अच्छी से नहीं लग रही थी, तो मैं इसलिए सो गया। तो अब सो के उसको भी अच्छा लग रहा है, हम खाना लेके चलते हैं, वो भी खा लेगा, और उसके बाद अगर उसको जाना भी होगा घूमने तो चला जाएगा। ये आ गया हमारा कुछ कुछ खाना, भैया जल्दी जल्दी खा के चलते हैं, चलो।